इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 16वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा के लिए सतत संघर्षशील है इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन सेराज अहमद कुरैशी। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन सचेत, सक्रिय, सशक्त और संघर्षशील पत्रकार संगठन है। इरफान उल्लाह खान, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से नसीम रब्बानी की रिपोर्ट। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 16वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय प्रशासनिक कार्यालय गाजी रोजा तिराहा गोरखपुर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में पत्रकारों ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया और बधाइयां दी। ज्ञात हो कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन विश्व स्तरीय पत्रकारों हितों के लिए सतत संघर्षशील अग्रणी संस्था का गठन 5 सितंबर 2008 को सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हुआ। फिर ट्रस्ट एक्ट, नीति आयोग, एनजीओ, दर्पण, एमएसएमई, आईएसओ व आईएफ में भी पंजीकृत हुआ। उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी ने कहा कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पत्रकारों की विभिन्न उत्पीड़न की घटनाओं व समस्याओं के लिए संघर्ष कर समाधान कराया है। देश के विभिन्न प्रांतों के पत्रकारों को एकता के सूत्र में पिरोकर ब्लॉक, तहसील, नगर, जिला, मंडल, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर इकाइयों का गठन कर सचेत, सक्रिय, सशक्त और संघर्षशील पत्रकार संगठन के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तत्वाधान में आज संगठन का 16वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सिराज अहमद कुरैशी साहब हैं और साथ में जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं, वो सभी यहाँ उपस्थित हैं। इस मौके पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दो शब्द कहने के लिए मैं निवेदन। आज इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 16वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय प्रशासनिक कार्यालय पर मनाया गया। आज ही के दिन 5 सितंबर 2008 में गोरखपुर से हम लोगों ने एक निश्चय किया कि एक पत्रकार संगठन की स्थापना किया जाए और स्थापना करने के साथ साथ हम लोगों ने लगातार अनगिनत पत्रकार हितों में संघर्ष किया। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन को जो है प्रदेश में ही नहीं भारत के विभिन्न प्रदेशों में भी स्थापित किया गया, जहां पर इसकी ब्लॉक, तहसील, जिला और मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर की इकाइयां गठित हैं। विगत 16 सालों में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पत्रकारिता और पत्रकार हितों को लेकर बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज गाजी रोजा प्रशासनिक कार्यालय पे इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की 16वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर इस संगठन के जितने भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो पत्रकार संगठन से जुड़े हुए हैं, इस संबंध में सारे लोगों को अवगत करा गया था। लेकिन जो मेन हमारे फाउंडर मेंबर हैं, आप उपस्थित थे, सब लोग साथ में वर्षगांठ मनाया और आगे हमेशा भी इस तरीके का काम लोग करते हैं। आज इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 16वां वर्षगांठ हम लोग मनाने के लिए उपस्थित हैं। दूसरी बात है कि एक ऐसा संगठन है जो सतत संघर्षशील और अग्रणी संस्था के रूप में पूरे भारतवर्ष में तेजी से काम कर रहा है। इससे अच्छा कोई भी संस्था नहीं है, क्योंकि जितना पत्रकारों का और भी जो संगठन है, इतनी सतही लेवल पर जाकर के कोई काम नहीं कर पाते हैं जितना कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन करता है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की और हम लोग को साथ में लेकर के वो चल रहे हैं और सभी पत्रकार बंधु हमारे जो हैं वो सब कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जिस कारण मुझे है कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष का नंबर एक पत्रकारों का संगठन बन चुका है, और जिसकी खुशी में आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और
सोलहवां स्थापना दिवस मना रहे हैं। बहुत बहुत साथियों, अभी आपने देखा कि आज इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें हमारे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ जो फाउंडर मेंबर हैं वो आज जुड़े हुए हैं, और भी कुछ मेंबर जो हैं उनको आना था, लेकिन वो अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के चलते वो कहा उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो इस संबंध में अब कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में संगठन के जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं उनके बारे में आपको संक्षेप में बताया, और ये लगातार संघर्षशील है ये संगठन, और आगे भी संघर्षशील बना रहेगा। और आज के कार्यक्रम की यही समापन की घोषणा की जाती है। एक बार फिर मैं इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन और उसके पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।